दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्नेहांकुर देशिंग पर। आज हम देखने वाले हैं शिक्षक दिवस पर बहुत ही सुंदर भाषण। आदरणीय प्रधानाचार्य, पूजनीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, माँ बाप की मूरत है गुरु, इस कलयुग में भगवान की सूरत है गुरु। हमारे भारत देश में शिक्षक दिवस हर साल बहुत उत्साह के साथ 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक आदर्श शिक्षक, महान विद्वान, तत्वज्ञानी, लेखक और देशभक्त थे। वे भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा में बहुत विश्वास रखते थे। उन्हें अज्ञापन से गहरा प्रेम था। एक आदर्श शिक्षक के सभी गुण उनमें विद्यमान थे। इसीलिए उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में पूरे भारत देश में मनाया जाता है। हमारे माता पिता हमें जन्म देकर प्यार कर सकते हैं, पर हमारे शिक्षक ही हमें सही और गलत का फर्क करना सिखाते हैं और हमारा भविष्य उज्जवल बनाते हैं। हमारे जीवन को एक सही आकार देने में हमारे शिक्षक ही हमारे मार्गदर्शक है। शिक्षकों के लिए हर छात्र समान है। वे किसी भी छात्र के साथ भेदभाव नहीं करते और एकदम निस्वार्थ और ईमानदारी से सभी बच्चों को अपने खुद के बच्चों के जैसा व्यवहार करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। एक शिक्षक एक शिल्पकार की तरह है, जो अपने विद्यार्थियों को सही ज्ञान प्रदान करके उनको योग्य नागरिक बनाता है। इसीलिए किसी भी देश को महान और गौरवशाली बनाने में शिक्षकों की अहम भूमिका होती है। एक शिक्षक ही है जो हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं और हमें शिक्षा के महत्व के बारे में बताते हैं। वे हम सभी के लिए एक प्रेरणादायक स्रोत है। उनकी सीख से हम एक अच्छा इंसान बनते हैं। इसीलिए हमें हमारे शिक्षकों का जिंदगी भर शुक्रगुजार रहना चाहिए। शिक्षकों का स्थान हमारे जीवन में सबसे ऊपर होना चाहिए। उनके महान कर्मों को कभी नहीं भूलना चाहिए और हर साल शिक्षक दिवस बहुत खुशी और उत्साह के साथ मनाना चाहिए। जिसे देता हर व्यक्ति सम्मान, जो करता है वीरों का निर्माण, जो बनाता है इंसान को इंसान, ऐसे गुरु को हम करते हैं प्रणाम। इस महान शुभ अवसर पर सभी शिक्षकों को मेरा प्रणाम।